जय माता दी दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी ट्रेन झारखंड की धरती पे आ चुकी है। देखिए दोस्तों, यही सब है अपना खाना। नीलांचल निकल रही है और हमारी ट्रेन भी डिपार्ट हो गई। दोनों साथ में हम डिपार्ट भी करेंगे। कानपुर सेंट्रल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे भैया पहले से रेडी थे आके, ये खाना अपना भैया दे दिए। कानपुर में दोस्तों आपको ब्रेड बटर भी मिल जाएंगे भैया अपना टोस्ट करके। यह देखिए टोस्ट मशीन है, उसमें टोस्ट करके बटर लगा के अपने भैया देते हैं और गर्मा गर्म चाय। ये कैसे देते हैं ब्रेड बटर? 20 रुपये का दोस्तों, दो ब्रेड है अपनी अमूल का बटर 70 रुपये। और यह देख लीजिए दोस्तों, 70 हमें भैया रिटर्न कर रहे हैं, 15 ही लिए हैं, मतलब 30 का अपना दो बोतल लिए हैं। भाई जी बोतल दिखा दीजिए, देखिए दो बोतल लिए हैं और यह 70 रुपये हमें रिटर्न भी मिल गया है। ठीक है, कानपुर में इससे पहले भी मैंने लिया है और यहाँ पे 15 का ही पानी मिलता है। यहाँ पे लड़ना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमको बिल दो, यहाँ पे 15 का 15 ही मिलता है। देखें वो ब्रेड बटर जो है वो भी 20 का ही दे रहे थे, टोस्ट करके वो भी, अगर आप लेना चाहें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हैं अमूल लिखा हुआ है, अमूल इस शॉप पे, यही अमूल पार्लर है, इसी पे आपको मिल जाएगा। ऑन टाइम हमारी ट्रेन निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से, रात के 8:57 पे, 5 मिनट रुकती है, 52 अराइवल और 57 डिपार्चर है अपनी ट्रेन की कानपुर में। और ये लिए हैं अपना अमूल बटर और ब्रेड 20 का जो दे रहे थे भैया। गर्म कर ही रहे थे कि ट्रेन खुल गई, तो मैंने बिना बटर लगवाए ही ले लिया है, खुद से लगा लेंगे। बाय बाय कानपुर सेंट्रल और बाय बाय कानपुर शताब्दी। और दोस्तों कानपुर से निकलते ही देखिए बारिश होने लगी बाहर, आप इस विंडो के मिरर पे आपको पता चल गया, विंडो के ग्लास पे मिरर बोल रहा हूँ। यह देखिए तो दोस्तों, चलिए इसे अब अनपैक करते हैं। देखिए दोस्तों, यही सब है अपना खाना, ये है रायता, ये क्या है भाई जी, ये है पनीर और ये है पनीर प्लस चना, चना और पनीर मिक्स है। ये है अपना दाल, इसमें है पराठा और इधर है ये पुलाव, मटर पुलाव। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये एक गुलाब जामुन और यहाँ पे सैलेड और ये चिप्स और एक छोटा सा ये वाटर बोतल भी है, इसी के साथ मिला ये, 1/2 लीटर भी नहीं है ये 200 ml। तो दोस्तों ये है पनीर का, शाही पनीर का सब्जी, सबसे पहले इसे ही टेस्ट करते हैं। अच्छा है, मीठा मीठा लग रहा है। और ये है अपना छोला, काबली चना है और पनीर दोनों मिक्स है, अब इसे खाते हैं। ये भी सही है, पूरा फ्रेश करने के बाद आपको फुल रिव्यू देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों खाना किस तरह का था, ये पूरा कंप्लीट फिनिश, कुछ नहीं बचा। अब ये गुलाब जामुन आधा अपने भाई खाएंगे और आधा मैं खाऊंगा, एकदम सब चीज़ बहुत अच्छा था। प्रयागराज जंक्शन, तो रात के बज रहे हैं 11:15 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है 15 मिनट की देरी से 11:13 पे प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है 11:13
10:58 अराइवल टाइम है और 11:02 रुकने के बाद यहाँ से डिपार्चर है, लेकिन हमारी ट्रेन 11:13 पे आई है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है और हमारी ट्रेन 2 मिनट यहाँ पे रुकेगी। वैसे प्रयागराज जो है वो बहुत बड़ा ही जंक्शन पॉइंट है और संगम नगरी से क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी गंगा जमुना और सरस्वती जिनों का संगम होता है और वहीं पे कुंभ मेला लगता है, इसलिए फेमस है अपनी ये शहर प्रयागराज अपने कुंभ मेले के लिए भी और जिसे संगम नगरी कहते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्रयागराज से। चलिए गेट को लग करते हैं लॉक और अब चलते हैं सोने। चलिए आपसे मिलते हैं अब डायरेक्ट सुबह में। चलिए तो आप सभी को गुड नाइट, जय माता दी। सो जय माता दी दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी ट्रेन झारखंड की धरती पे आ चुकी है और हम लोग अभी डाल्टनगंज से निकले हैं और कुछ ही समय में लातेहार पहुंचने वाले हैं और झारखंड की ये जंगलों को देखिए। इस बीच से हमारी गरीब रथ निकलती हुई वो भी कर्व लेते हुए। मैं डाल्टनगंज से शुरू करने वाला था बट मैं सोया ही रह गया और डाल्टनगंज निकल गई, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले उठा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, लातेहार से हमारी जर्नी शुरू होगी और ये देखिए हमारे ट्रैक मैन सुबह सुबह अपने काम पे जाते हुए, वो भी इतने बड़े बड़े हथौरे लेके। इतने बड़े बड़े पेड़ और बीच में ये छोटा सा रेलवे स्टेशन। सो 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली से हम लोग आ चुके हैं झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के लातेहार रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और समय आप देख सकते हैं 6:30 हो रहे हैं, अभी सुबह के 6:36 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। लातेहार में दोस्तों आपको लोड वाटरफॉल, लोअर घाघरी रिवर और अपनी पलामू फोर्ट, ये जो है तीन कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं अगर आप झारखंड के लातेहार आते हैं तो।
देख लीजिए एक और ऊंचे पर्वत को, हरे भरे प्यारे से खूबसूरत से पहाड़ को देखने का मन भर ही नहीं रहा है देख के। तोरी जंक्शन पे आपका स्वागत है दोस्तों। तोरी में आप सभी का स्वागत है। हमारी ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है दोस्तों, तोरी में। तो दोस्तों 1150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं झारखंड के तोरी जंक्शन पे। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है हमारी ट्रेन। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और हमारी ट्रेन यहाँ 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। हमारी ट्रेन अभी आधे घंटे के डिले से चल रही है। सुबह के 7 बजे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ तोरी में। तो ये तोरी जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम लोग बरकाकाना के रास्ते रांची चले जाएंगे। एक रन यहाँ से लोहर डांगा के रास्ते रांची जाती है और एक शिवपुरी को जाती है जो आगे मिल जाएगी कोडरमा से। वो काम अभी चल रहा है बीच का, बीच का सेक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। बीच का सेक्शन कंप्लीट होगा डायरेक्ट कोडरमा के लिए भी लाइन यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये 3 रूट की जंक्शन पॉइंट है अपनी तोरी और हम लोग पीछे इधर से आई हैं डाल्टनगंज की तरफ से। चलिए निकल जाए। और देखिए बहुत सारे सीट यहाँ खाली भी हो चुके हैं अपने तोरी में, बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड किए हैं। देखिए दोस्तों बहुत सारे सीट खाली हो चुके हैं, यह देखिए खाली हो गया, बहुत सारे पैसेंजर उतरे हैं अपने तोरी में। और हमारे साथ जो 2 और पैसेंजर थे वो भी डाल्टनगंज में उतर गए। बस हमारे साथ मैम है, सर हैं और हम दो, 4 सीट 2 सीट खाली हो चुकी है। तोरी में भी बहुत सारे पैसेंजर उतरे हैं, डाल्टनगंज तोरी सब में अब खाली होना शुरू हो चुका है, लेकिन हम लोग फुल जर्नी करेंगे, हम लोग जाएंगे रांची। तो हम लोग तोरी से निकल चुके हैं और हमारी ट्रेन फुल रफ्तार में निकल रही है और सुबह के भी 7 बज रहे हैं और मुझे सुबह सुबह भूख लग जाता है, इसलिए मैंने कल कानपुर में ही इंतजाम कर रखा था। ये देखिए ब्रेड, अरे गिर गया बटर, ब्रेड और अपना अमूल बटर, 2 ब्रेड है, एक हम खाएंगे एक अपने रोहित भाई खाएंगे। क्या रोहित भाई, ये तो बस घूम रहे थे कानपुर में, अभी भूखे ही हैं। चलिए आपसे नेक्स्ट स्टॉप बरकाकाना में मिलते हैं ये खाने के बाद। तो दोस्तों हम लोग बरकाकाना पहुंचने वाले, इससे पहले आती है पतरातू। पतरातू में दोस्तों फेमस है पतरातू डैम और इसी रेलवे स्टेशन को अभी हम लोग एस्केप करने वाले हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ, अगर आप पतरातू डैम जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको उतरना पड़ेगा, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है। हम बरकाकाना से भी पतरातू डैम जा सकते हैं, बस 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आती है। पतरातू मिनट पे हम लोग स्किप कर रहे हैं पतरातू को, बस 8 बजने ही वाले हैं। हो बरकाकाना जंक्शन की और सामने अपना नेशनल फ्लैग, वाओ। और कोई ट्रेन भी यहाँ लगी हुई है दोस्तों VAP 7 के साथ, अपनी गोमो लोको सेट की है पलामू एक्सप्रेस, बरकाकाना से पटना के बीच में चलती है दोस्तों ये
रात में ये चली थी पटना से और अभी आ चुकी है बरकाकाना। 8:12 पे हम लोग पहुँच चुके हैं बरकाकाना में। तय समय से 18 पहले ही हम लोग आ चुके हैं अपनी ट्रेन की सेकेंड लास्ट हॉल्ट बरकाकाना जंक्शन। इसके बाद एक रुकेगी मूरी, उसके डायरेक्ट अपनी रांची। यहाँ पे हमारी ट्रेन का टाइम था 8:30 अराइवल टाइम, लेकिन हम लोग 8:12 पे ही आ चुके हैं। 5 यहाँ पे हॉल्ट रहती है, 8:35 यहाँ से निकलती है और 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, जिसमें से हमारी ट्रेन जो है वो 3 प्लेटफॉर्म पर आई है। और हमारे साथ जो मैम ट्रैवल कर रही थी वो यहीं पे डिबोर्ड कर दी है अपनी ट्रेन। और यहाँ देख सकते हैं बरकाकाना में इस तरह से वाटर वेंडिंग मशीन भी लगा हुआ है, जिस पे आपको शुद्ध जल मिल जाएंगे पीने के लिए। स्टूडेंट सब पूरा उपयोग कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है पैसेंजर के लिए भी। ये 2 प्लेटफॉर्म पर अपनी है बनी हुई अमृत धारा, मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा ये लगाया गया है। और 2 प्लेटफॉर्म पे अपनी लगी हुई है पटना से बरकाकाना आने वाली पलामू एक्सप्रेस, इसकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों बरकाकाना जो है वो अपनी झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट भी है कि यहाँ से हम लोग रांची चले जाएंगे मूरी के रास्ते। इसके अलावा एक चंद्रपुरा के लिए लाइन जाती है, एक कोडरमा के लिए लाइन जाती है और ये अपनी धनबाद डिवीजन में आती है और हम लोग अब ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर चल रहे हैं। दोस्तों न्यू दिल्ली से बरकाकाना तक हम लोगों ने 1222 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और 118 किलोमीटर का दूरी और रह चुका है अपनी रांची तक जाने में। और इसमें अब बीच में बस एक हॉल्ट अपने आने वाली है मूरी। तो चलिए यहाँ से अब लेते हैं डिपार्चर। चलिए दोस्तों हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है अपनी बरकाकाना से, निकलते हैं यहाँ से। और बहुत देर यहाँ रुक गए बिफोर टाइम आई थी। अब ये पलामू एक्सप्रेस रात को निकलेगी यहाँ से बरकाकाना से पटना के लिए। बरकाकाना और देख लीजिए पूरा हम लोग का ये कैबिन खाली हो चुका है, बस हम ही 2 रह गए हैं इस पूरे 6 में। दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं रांची डिस्ट्रिक्ट में ही आने वाली अपनी मूरी जंक्शन, बस 2 पीछे हैं। और मुझे अभी गरीब रथ के डोर पे कुछ मिला है, ये दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ कॉइन गिरा हुआ है, देखिए कितने सारे कॉइन गिरे थे। और ये 1 जो छोटा साइज का आता है वो वाला है, ये कोई लेते ही नहीं रहता है। और एक है इसमें 2 का कॉइन, देखिए एक ये एक का सिक्का कैसा हो चुका है, देखिए टेढ़ा हो गया पूरा, किसी को दे देंगे ये। और यहाँ पैरेलल रेस हो रही है दोस्तों अपनी मूरी में, आनंद विहार से पूरी जाने वाली अपनी शायद नीलांचल एक्सप्रेस है, आनंद विहार पूरी। दोनों ट्रेन एक ही साथ अराइव हो रही है। दोस्तों वो नीलांचल एक्सप्रेस ही है, वो टाटा नगर भुवनेश्वर के रास्ते पूरी चली जाएगी। मूरी जंक्शन, वाओ मस्त अराइवल हुआ है दोस्तों अपने लोग का मूरी में। यहाँ भी हम लोग समय से पहले ही आ चुके हैं दोस्तों। हमारी ट्रेन 2 प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों हमारी गरीब रथ आ चुकी है अपनी आखिरी स्टॉप मूरी जंक्शन, जो कि अपनी रांची डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। और ये अब हम लोग आ चुके हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में और रांची डिवीजन में। अभी थे इससे पहले बरकाकाना में ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 का हॉल्ट है, 9:30 अराइवल टाइम, 9:32 डिपार्चर है। ऑन टाइम 9:30 हम लोग पहुँच चुके हैं, हमको लगा अभी 4 पहुँचे हैं क्योंकि आउटर पे ये 10 बिफोर थी, बट वहाँ से स्लोली आई है तो 10 ये खा गई। और इधर आ चुकी है नीलांचल एक्सप्रेस, जो कि ये सुबह में निकली थी अपने आनंद विहार से,
और इसे हमारी गरीब रथ पकड़ ली है अपनी मूरी में। समझ सकते हैं ये कितना टाइम लेती है यहाँ आने में। अच्छा दोस्तों, मूरी भी एक जंक्शन पॉइंट है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से खाट शिला की कोट शिला की तरफ एक लाइन जाती है और हम लोग रांची चले जाएंगे, बरकाकाना से आए हैं। और ये जो ट्रेन आई है ये भी अपनी वही कोट शिला वाले रास्ते से आई है। यहाँ देखिए दोस्तों, नीलांचल निकल रही है और हमारी ट्रेन भी डिपार्ट हो गई, दोनों साथ में हम डिपार्ट भी करेंगे। चलिए दोस्तों, अराइवल भी सेम साथ हुआ है और डिपार्चर भी साथ ही हो गया हमारी दोनों ट्रेन का। वाह, बहुत ही अच्छा डिपार्चर भी हो चुका दोस्तों हमारी मूरी से। बात करें ना दोस्तों नीलांचल एक्सप्रेस की, तो ये अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली को कनेक्टिविटी प्रदान करती है अपनी चार धाम में से एक धाम जगन्नाथ पुरी के साथ। ये नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सुबह के 7:30 बजे खुलती है और अगले दिन शाम के 6:30 बजे के आसपास 6:15 में पहुंचा देती है जगन्नाथ पुरी। और ये सप्ते के 3 दिन चलती है जिसमें रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को ये चलती है। और इसके रूट की बात करें तो ये अपनी आनंद विहार से निकलने के बाद अलीगढ़, हथरस, इटावा, कानपुर के रास्ते लखनऊ, फिर उसके बाद रायबरेली, प्रतापगढ़, फिर वाराणसी, वाराणसी से फिर DDU दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद फिर सासाराम, गया, बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड के रास्ते ये पूरी चली जाती है। टोटल ये 1896 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है अपनी ट्रेन को डिबोर्ड करने का। हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, जस्ट 2 से 4 मिनट में पहुंच जाएंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन रांची। अच्छा दोस्तों, इस ट्रेन के फेयर की बात करें तो आपको न्यू दिल्ली टू रांची फुल जर्नी अगर आप करना चाहते हैं इस गरीब रथ में तो आपको 1,075 रुपये लगेंगे और इसमें सारी की सारी 3rd AC इकोनॉमी कोच ही रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब निकलते हैं ट्रेन से, हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है अपनी रांची। वाह भैया, कितना बड़ा लगेज है। चलिए भैया, मदद कर देते हैं, लाई ले पकड़ देते हैं आप आगे वाला। चलिए लीजिए भैया। थैंक यू भैया। चलिए या फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन रांची और समय देख सकते हैं 10:59, 21 मिनट बिफोर आ चुके हैं हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन रांची में। सो दोस्तों, जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई पहली बार गरीब रथ में ट्रैवल किया और इस गरीब रथ का समय टाइम जो है ना वो एकदम मस्त है, पंक्चुअल एक नंबर की है। देख सकते हैं बिफोर टाइम पहुँची है सर, वो सारे स्टेशन पर भी ये बिफोर टाइम चलती थी और फास्टेस्ट गरीब रथ है सही में दोस्तों। आपको ये कानपुर सेक्शन जो है न्यू दिल्ली कानपुर, उस पर भी ये बिफोर टाइम आई थी कानपुर में, 4 घंटे 42 मिनट में दिल्ली से कानपुर आ गई। तो आप सब जो अब कितना ये चलेगी, कितना स्पीड चलेगी यहाँ। और हम लोग यहाँ भी 21 मिनट बिफोर ही आ गए अपने डेस्टिनेशन रांची। 1340 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए हैं, 4:10 पर चली थी शाम में और 11:20 यहाँ अराइवल टाइम है। हम लोग पहुँच गए हैं 10:59 पे। और ये देख लीजिए दोस्तों, हमारी गरीब रथ में लगी हुई थी तुगलकाबाद लोको सेट की Web 7। आपको मैं दिल्ली में नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं वहाँ लेट हो चुका था, इसलिए अभी रांची में आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए सामने अपना नेशनल फ्लैग जो कि शान से लहराते हुए जय हिंद। सो दोस्तों, यही रही अपनी रांची गरीब रथ की ट्रेन जर्नी। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे जर्नी के साथ आपको मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे कृष्णा एंड जय हिंद।